सुबह सुबह कड़कती चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। आज वैसे गर्मी बहुत है ना, पर चाय का मज़ा लेते हैं फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एस रॉय। मेरा नाम है विशाल। नमस्ते, सत श्री अकाल। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। वैसे तो मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग मोटर ब्लॉग करते हुए बनाना चाहता था, बट अभी बाइक आने को टाइम है, बुकिंग हो चुकी है। जब भी डिलीवरी लेने जाऊंगा आपको पता चल ही जाएगा, वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। तो मैंने सोचा उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे काम आ रही है वो आपके भी काम आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो मैंने एक सैमसंग लेवल यू के ब्लूटूथ एयरफोन लिया थे, बट वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे और ना ही नॉइज़ कैंसलेशन थी। बाहर की इतनी आवाज़ आती थी ना अगले बंदे को जब आप बात कर रहे थे, और आपको अगले की आवाज़ भी नहीं सुनती थी। एक मतलब उसमें साउंड क्वालिटी तो थी ही नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। तो फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वन प्लस के वायरलेस एयरफोन्स आ चुके हैं, जो कि मैंने नहीं काफ़ी टाइम से लॉन्च किए थे बट मैंने नहीं लिए थे। तो मैंने फिर अमेज़ॉन पे देखा तो मैंने वो ऑर्डर किए, और सच्ची बताऊँ इस रेंज में इतने फीचर्स वाले ब्लूटूथ एयरफोन मुझे कोई दिख भी नहीं सके। तो मैंने इनको ऑर्डर किया, मुझे वन डे डिलीवर मिल गई प्राइम होने की वजह से। अगर आप नॉन प्राइम हो तो आपको दो दिन लग सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको। आपको ऐसी पैकिंग में मिल जाते हैं, इसके ऊपर लैमिनेशन होते हैं जो कि मैं उतार चुका हूँ। वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ मैंने, बट फिर भी आपके लिए दोबारा पैकिंग किया है तो आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ ऐसे मिल जाता है पैकिंग में, इसके पीछे इसके बारे में सारे फीचर्स लिखे हुए, लैप चार्जिंग, लो बैटरी लाइट, मैग्नेटिक कंट्रोल, वाटर प्रूफ, क्विक स्विच, लो लेटेंसी मोड। तो ये कुछ आपको ऐसे आप ऐसे खोल लेंगे तो आपको ऐसे कुछ मिल जाता है। यहाँ पे एयरफोन जो मैग्नेटिक आपस में जुड़ते हैं वो यहाँ पे चमक रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी शानदार पैकिंग है, काफ़ी मजबूत है बिल्कुल। मतलब ये नहीं दिख रहेगा कि आपको जो एयरफोन मिल रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या टूट जाएंगे या कुछ, बिल्कुल कम्फर्टेबल है। और इसको कुछ आप ऐसे उतार सकते हो, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल उतर जाते हैं। और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे डायरी वगैरह ली होती है जिसमें लिखा होता है कि हाँ भी आपको कैसे कैसे यूज़ करने। वैसे तो अपने इंडियन लोगों को ऐसे यूज़ पड़ती नहीं, हम तो वैसे बड़े तेज मांगवा हैं। और आपको एक चार्जिंग वायर भी मिल जाती है। आपको ये चीज़ बता दूँ, कई क्या बहुत से ब्लूटूथ एयरफोन थे जिसके साथ आपको चार्जिंग वायर नहीं मिलती और एक्स्ट्रा शायद बड्स भी नहीं मिलते। यहाँ पे आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल एयरफोन्स दिए जाते हैं ब्लूटूथ वाले। देखो अगर मैं इसको अपने गले में डाल रहा हूँ तो देखो ये बड़ी आसानी से आपके एडजस्ट हो जाते हैं। और इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। ये ऊपर से वाटर प्रूफ भी हैं, स्वेट प्रूफ है। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ कि ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मैं इसको काफ़ी अगर ऐसे भी करके मैं काफ़ी टाइम से अपनी पॉकेट में भी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक वन प्लस की ब्रांडिंग दी जाती है, और यहाँ पे पेयरिंग के लिए एक बटन दिया गया है, ये चार्जिंग के लिए दिया गया है, ये टाइप सी है चार्जिंग, और ये मैग्नेट के लिए, यहीं से ऑन ऑफ भी होता है आपको। यानी कि अगर आपने उतार के बस रख दिया तो आपको ये नहीं कि आपको कोई बटन दबा के रखना पड़ेगा ऑन ऑफ के लिए, यहीं से ही ऑन ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक भी, यहीं पर मिल जाता है, और वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, और गूगल असिस्टेंट के लिए कॉल पिक, कॉल कट करने के लिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और बात करूँ इसकी कंफर्टेबल की, तो ये इतने कंफर्टेबल है आप जैसे डालते हो ये बिल्कुल उसकी शेप ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कोई ब्लूटूथ एयरफोन पहने हुए हैं या आपको कई बार होता है कि आपको मतलब पहनते तो वो प्लास्टिक का होता है, जो कुछ भी लगेगा आपको कुछ नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे आपको बात करता हूँ कि जैसे इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है, अगर आप ऐसे इसको चिपकाते हो तो इसमें आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी काफ़ी बैटरी बचती है।
जिस वजह से ये अगर आप 10 मिनट की चार्जिंग करते हो इसको तो ये 10 घंटे चलता है, जो कि वन प्लस ने जो बोला है उसको करके दिखाया है। यहाँ पे आप चार्ज करोगे तो 10 मिनट में आपकी 10 घंटे बैटरी चलेगी ही चलेगी। और यहाँ पे जो इसके एयरबड्स दिए गए ये इतने कंफर्टेबल है, अगर आप लगाते हो, कहीं के एयरबड्स होते हैं जो मतलब लगाते ही आपके निशान पड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है, प्लास्टिक टाइप होते हैं, बट नहीं ये बहुत कंफर्टेबल है। और आगे इसकी बात करूँ इसकी माइक की, इसके माइक की नॉइज़ कैंसिलेशन इतनी अच्छी है, मैं मतलब इसको 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इतनी अच्छी है, मैं बाइक चलाते हुए भी इसको यूज़ किया है, बात किया है, मतलब अगले को मैंने पूछा है कि कुछ आवाज़ आ रही है, वो बोलता है कि नहीं, जैसे बात पता ही नहीं चलता कि हाँ आप बाइक चला रहे हो या वॉक कर रहे हो या कुछ कर। इसमें जो सबसे अच्छा फीचर जो पर्सनली मेरे को अच्छा लगा है कि आप एक टाइम पे अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं लैपटॉप पे मूवी देख रहा होता हूँ, ठीक है, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो मुझे ये नहीं ज़रूरत कि हाँ भी मुझे जब कॉल आ रही है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा या कुछ, मुझे यहाँ से 2 बार क्लिक करना है और मेरे मोबाइल से कनेक्ट होगा। अब आप ये पूछोगे कि हाँ भी आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई आप किसका फ़ोन किसका नहीं है, जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो अपने एयरफोन मतलब अपने कान में लगाते हो तो वो उस बंदे का नाम बोलेगा जिसकी आपको कॉल आ रही है ना। अच्छा फंक्शन गूगल असिस्टेंट भी है, अगर आप इसको पेयर करके रखते हो, मतलब बाइक चला रहे हो, आपको किसको कॉल करना है आप बोल सकते हो यहाँ से कि आपको किसको कॉल लगाना है, मतलब कौन सा सॉन्ग चलाना है, सब कुछ इसमें आप यहीं से कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप सब कुछ है सिस्टम। आप साइलेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कॉल आ रहा है आप यहाँ से एक बार दबा दोगे तो आपको फ़ोन भी साइलेंट पे हो जाएगा। इसमें काफ़ी फीचर है, मुझे मतलब 1999 में तो मुझे इसमें इतने फीचर्स दे दिए और कुछ किसकी ज़रूरत भी नहीं, कहीं 4000 में ऐसे फीचर दिए जाते हैं। बात है यहाँ पे कि इसके जो यहाँ पे थोड़ी बिल्ड क्वालिटी इन्होंने मतलब मेरे को थोड़ी कम लगी, बाकी तो फीचर वैसे चलता है। तो बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसमें मूवीज़ देखता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ, अगर मैं कॉल भी सुनता हूँ तो बहुत क्लियर आवाज़ आती है इसकी, मतलब बास बहुत अच्छा है, मतलब मूवीज़ देखने में तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने इस पर काफ़ी 2-3 घंटे तक मतलब काफ़ी यूज़ किया है इसको अच्छे से, तो मुझे तो इसकी साउंड क्वालिटी नंबर, मेरे को तो पर्सनली ये एयरफोन्स ब्लूटूथ अपने लिए बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऐसे एयरफोन्स मतलब सर्च कर रहा था कि जो जिसमें सारे फीचर्स हों, मतलब मेरे को कोई ज़रूरत ना पड़े अपने फ़ोन को हाथ लगाने की। तो काफ़ी 1999 में तो मैं सोचता हूँ 1 ऑफ द बेस्ट एयरफोन्स, तो आप भी जाके ले सकते हो। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जाके लो, ऑर्डर करो, अभी मंगवाओ। काफ़ी दिन से एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, एक ओल्ड अंकल आंटी है मालविया नगर में, बाबा का ढाबा दिल्ली में, तो मतलब उन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी सफ़र किया है जो अभी भी कर रहे थे, तो एक यूट्यूबर वहाँ पे गया तो उन्होंने उनकी वीडियो शेयर की। आज की डेट में उनको इतनी सपोर्ट मिली है और देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। वैसे तो सोशल मीडिया की पावर मेरे को लॉकडाउन में ही समझ आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं रात के 1-2 बजे होंगे तो मैं मतलब अपना ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो वहाँ पे एक किसी ने ट्वीट किया एनिमल वेलफेयर ओडिशा में करके, वो मतलब जानवर वगैरह को देखती है, सारा कुछ देखती है उसका, तो वहाँ पे एक मतलब लॉकडाउन में हमें जानवरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनको खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा था, कोई आज आ नहीं रहा था बाहर, तो उनको खाना वगैरह में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक लेडी ने एक प्रेग्नेंट डॉग को डंडों से मार मार के उसको मार दिया। उसमें क्या हुआ कि उसमें 2 जो उसके पेट में बच्चे थे वो उसमें, तो एक तो उसी टाइम मर गया, दूसरा भी जो था वो काफ़ी सर्वाइव करते करते मर गया। तो 1-2 बजे के आसपास मैंने देखा तो मेरे को पता नहीं क्या बहुत बुरा लगा। तो उस टाइम पे काफ़ी वो फेमस था, टिकटॉक वगैरह चल रहा था लॉकडाउन में, और किसी के पास कोई काम ही नहीं था तो टिकटॉक ही चलाता। तो मैंने रात को 1-2 बजे वो देखा तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा, जबकि मेरे पास भी एक डॉग है जिसका नाम जेनी है, ठीक है। तो मैंने एक पेपर पे लिखा, उस जिस डॉग को मारा गया उसका नाम एप्पल रखा गया था, तो मैंने उसको एक पेपर पे लिखा जस्टिस फॉर एप्पल करके एक वीडियो बनाया और मैंने टिकटॉक पे डाल दिया। टिकटॉक पे डालने के बाद मैं सो गया, तो मैं उसके बाद मैंने वो टिकटॉक खोल के देखा नहीं था क्यों, बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 1-2 बजे के बाद अपना टिकटॉक अकाउंट खोला और आप मान नहीं सकते कि वो वीडियो मेरी कहाँ की कहाँ पहुँच गई। उसके ऊपर उसी टैग को यूज़ करके
मतलब 4000 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी, 4.4 मिलियन लोगों ने लाइक किया, ठीक है, शेयर किया, और वो वीडियो हमारे जहाँ पे मतलब ये सब हुआ था उड़ीसा में पहुँच चुकी, तो उन्होंने हमें ट्वीट करके थैंक्स भी किया, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ है कि हर एक टिकटॉकर के अकाउंट में वो वीडियो बन चुकी थी। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने थैंक्स भी किया क्योंकि वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि उस मतलब गवर्नमेंट तक प्रेशर में आने शुरू हो गया था। तो उसके बाद उस लेडी को मतलब अरेस्ट भी किया गया, बट वो है कि अपने गवर्नमेंट में थोड़े ऐसे कारण वो छूट भी गई थी, मतलब उसको कुछ इतना हुआ नहीं। बट मैंने देखा कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है, मतलब मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया कि वहाँ तक पहुँच गया उड़ीसा तक, जिसके साथ ये सब मतलब जो उनकी सपोर्ट में थे। अच्छा लगा मेरे को काफ़ी कि अपनी सोशल मीडिया की पावर कितनी है, कि मैंने एक वीडियो बनाया वो कितने लोगों ने बनाया, उसका मतलब कितना सपोर्ट किया लोगों को, मतलब कहाँ कहाँ तक चली गई वो। मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे को भी काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैंने ऐसा किया। तो अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब आप किसी की हेल्प करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जानवरों की तो मतलब मैं तो सोचता हूँ कि बेजुबान को तो मारना नहीं चाहिए, जो बोल ही नहीं सकता उसको आप मारने की ज़रूरत ही नहीं। तो हेल्प करो, अगर नहीं कर सकते तो मारो मत ना। तो ऐसे ही सबकी हेल्प करते हो, चाहे वो बेजुबान हो चाहे ना हो, तो किसी को दुख मत दो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। जल्दी मिलेंगे मोटो ब्लॉग करते हुए। बाय बाय।